डीजे बज रहा है, बहुत ज्यादा जोर से डीजे बज रहा है। कैसा वॉइस है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका कोठारी। सो व्हाट्स अप गाइस, इट्स डे 4 ऑफ नवरात्रि। हेल्थ अपडेट ये है कि आई एम फीलिंग वेरी बेटर। कल मेडिसिन ली थी तो वो असर कर गई है, फिर से वही एनर्जी आ चुकी है मुझ में। और मोच के बारे में बता दूं तो मेरे को पेन है अभी भी, वो एक दो दिन अब रहेगा, बट मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि मुझे गरबा खेलना है यार। मैं उसको लेके नहीं बैठ सकती हूँ, इसलिए आज मैं रेस्ट भी नहीं करने वाली, मैं जाऊंगी गरबा खेलने। मैंने अभी ब्लाउज पहना और अभी मैं जीन्स में ही हूँ क्योंकि उससे पहले मैंने सोचा आई सेक कर देती हूँ क्योंकि उससे मुझे फर्क लग रहा है इसलिए। तो अभी पहले आई सेक करूंगी, उसके बाद मैं रेडी होंगी। बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। वैसे ना मुझे इससे बहुत आराम मिला है, मैं इसको दिन में 2 बार तो कर ही लेती हूँ। गाइज, मैं बिंदी देख रही थी तो मेरे पास कोई भी ब्लैक कलर की बिंदी नहीं है। इस इतने सारे मेरे पास बिंदी के पत्ते हैं पर काली रंग की बिंदी नहीं है इसके अंदर। इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे को, नहीं है यार, एक भी नहीं है। तो मैंने ये डायमंड लगाई है, बट फिर मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि मुझे क्या दिखा। कभी मैंने शूट से आके यहाँ पे बिंदी चिपकाई होगी तो ये देखो मेरे को ब्लैक बिंदी दिख गई यहाँ पे, और मेरे को अब ये ब्लैक क्यों है। हाँ, तो अब मैं ये डायमंड वाली बिंदी हटा रही हूँ। गाइज, आई एम ऑल रेडी, दिस इज माई आउटफिट, ऑल ब्लैक टूडे। आज का मैंने मेकअप बहुत लाइट किया है, आई शेडो नहीं किया है क्योंकि पूरा आउटफिट इतना बोल्ड एंड ब्लैक है। सो यस, मैंने बहुत सुपर मेकअप किया है आज, और मैंने कमरबंद पहना है, मैंने अभी 3 दिन में नहीं पहना था, आज ही पहना है। ये इस पर बहुत प्रिटी लग रहा है इसलिए मैंने ये डाला है। सो यस, आई एम ऑल रेडी, अब मैं निकलती हूँ। आज ना सबके पास मेरे पास है, सबके पास मेरे पास, हाँ सही बोला ना, हाँ। सो यस, सबके पास मेरे पास है, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं थोड़ा लेट जाऊँ, सबको वेट कराऊँ, बट नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही, मैं बस अब निकल ही रही हूँ। और मैंने रबर चेंज कर लिया है, मैंने ले लिया सैटिन स्क्रंची ब्लैक कलर की। सो यस, बताओ यार, मुझे ये सबका वेट करना पड़ा, पंचुअलिटी तो कोई मुझसे सीखे। ये बाइक पे बैठ के मैं सबकी राह देख रही थी, ये देख के मेरे को लगा कि मैं कोई यात्रा पे आ गई हूँ। धीरे धीरे करके हमने अंदर एंट्री ली, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई है तो सबके एक एक करके पास चेक हो रहे थे। आ गए हैं अब कुछ खाने, क्योंकि वी ऑल आर सुपर हंग्री, इसलिए मेन हमारा मोटिव है कि हम फोटोज़, हमारी वहाँ पे हुई नहीं थी तो हम लोग फ़ोटोज़ के लिए अच्छी लाइटिंग्स ढूंढ रहे थे, तो हमको ये कैफ़े मिला है और यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे और थोड़ा बहुत ऑर्डर किया है वो खाएंगे। हमने ऑर्डर किया था फ्रेंच फ्राइज, पिना कोलादा शेक, पिज्ज़ा। पिज्ज़ा तो ऐसे फिक्स ही है, पिज्ज़ा तो हमने रोज़ खाना ही है। नवरात्रि का ना बेस्ट पार्ट ही ये है, ये जो लेट नाइट खाने आते हैं ना, इतना मज़ा आता है। फिर हमने इतनी सारी गपशप की, और भी बहुत लोग आ रहे थे इस कैफ़े में, अभी तो सारे कैफे हाउसफुल ही होते हैं। एज आई एम बैक इन माई रूम, आज का बताओ कैसा था गरबा? थर्ड क्लास। अब बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है ग्राउंड पे खेलने के लिए क्योंकि क्राउड बढ़ता ही जा रहा है, जगह नहीं मिल रही है। सो यस, इट इज़ वेस्ट। मेरे को नहीं लगता अब ग्राउंड पे मुझे जाना चाहिए, सो आई हैव डिसाइडेड कि कल से मैं हमारी सोसाइटी में ही खेलूँगी, क्योंकि दिन ऐसे ही जा रहे हैं और गरबा हम अच्छे से खेल नहीं पा रहे हैं। सो यस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही व्लॉग्स बनाती रहूँगी। बाय गाइज, गुड नाइट।